नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के दौरान राजस्थान के भीम पुलिस थाने पर दोपहर गुस्साए भीड़ ने पथराव कर दिया है। इसमें थाना इंचार्ज SHO शैलेंद्र सिंह घायल हैं और उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया है। इसी दौरान ASI लालाराम और कांस्टेबल दिनेश कुमावत का भी हालात ठीक नहीं है, जिनका इलाज चल रहा है और भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायर किए हैं। यह पूरा मामला है जो राजस्थान के राजसमंद से निकल कर आ रहा है। दरअसल भीम के पास कुकरखेड़ा गाँव में रात आपसी रंजिश हो गई थी और दो परिवारों में लाठी बाटा जंग छिड़ गई थी। इसमें प्रेम नाम के युवक को तुरंत ही रेफर कर दिया गया था, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। दोपहर को PM करवाने के बाद सब परिजन को सुपुर्द कर दिया था, लेकिन सब लेकर परिजन ब्यावर के सीधे ही भीम थाने पहुंच गए और सैकड़ों लोग वहां पर जुट गए थे, प्रदर्शन करने लगे थे। NH8 को भी पूरी तरह से जाम कर दिया गया था, करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां पर कई आला अधिकारी और कई नेता पहुंचे हैं और समझाइश चल रही थी, लेकिन अचानक से भीड़ में से कुछ जनों ने पथराव शुरू कर दिया था और माहौल बिगाड़ दिया। मौके पर ही देवलगढ़ और दिनेश थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और भयंकर पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज और हवाई फायर कर दिया था। लेकिन बताया जा रहा है कि इसी दौरान SHO समेत कई पुलिस अधिकारियों के हालात ठीक नहीं है, जिनका इलाज चल रहा है। लगातार मामले से जुड़ी खबर आपको दी जाएगी, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।